हेलो फ्रेंड्स, मेरा रविकांत है और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड नॉलेज में आपका स्वागत है। सो आज हम वैदिक मैथ का सेकंड पार्ट करेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि कैसे हम कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। सो इसमें हम मल्टीप्लिकेशन के शॉर्टकट देखेंगे, कैसे हम मल्टीप्लाई को एक ही स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हम जो हमारा इसमें फर्स्ट रूल होगा, ठीक है, क्या है, जैसे सपोज करो कि हमने मल्टीप्लाई करनी है टू नंबर्स की, ठीक है। कोई हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 22 को मल्टीप्लाई करना है 22 के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। सो इसको हम कैसे एक स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो इसमें जो फर्स्ट स्टेप होगा हमारा वो क्या होगा कि जो बाहर वाले नंबर हैं उनकी मल्टीप्लाई करनी है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, ठीक है। जैसे 2 × 2 कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होगा, जो सेंटर में नंबर हैं इनकी हमने मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, ये सेकेंड स्टेप होगा आप लोगों का। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4, ठीक है, 4 + 4 कितना आएगा 8। जो सेकेंड स्टेप होगा इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और दोनों को प्लस कर देना है, क्लियर है। सो इसमें जो थर्ड स्टेप होगा वो क्या होगा, जो बाहर वाले नंबर हैं उनकी हमने मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4, सो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्लियर है। सो हम एक ही स्टेप में इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, इससे हमारा बहुत टाइम बचेगा अगर हम इस टाइप के कैलकुलेशंस को अपनी प्रैक्टिकल डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करो 32 × 32, ठीक है, हम ये कर रहे हैं। सो फर्स्ट स्टेप बाहर वाले की मल्टीप्लाई, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4। सेकेंड जो स्टेप होगा वो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6, ठीक है। सो 6 + 6 कितना आएगा 12, 2 जो 1 होगा ये नेक्स्ट वाले में कैरी जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट सीखना है, जो कैरी होगा वो नेक्स्ट वाले में मूव कर जाएगा, ठीक है। सो थर्ड स्टेप क्या था कि बाहर वाले की मल्टीप्लाई करनी है, सो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 9, और 9 + ये क्या था 1 कैरी, सो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, सो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्लियर है। सो और एग्जांपल करके देखते हैं, जैसे सपोज करो कि 35 को हमने 35 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, बाहर वाले की मल्टीप्लाई, ठीक है। सो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 25, सो जो 2 होगा वो नेक्स्ट वाले में कैरी जाएगा। सो सेकेंड स्टेप क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी इनकी, ठीक है। सो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है। फिर इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 15, सो 15 + 15 कितना आएगा 30, और ये 2 क्या था यहाँ पे कैरी, सो 32 2, यहाँ पे आगे कितना जाएगा कैरी 3 जाएगा, क्लियर है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, जो बाहर वाले हैं उनकी मल्टीप्लाई, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, और 9 + ये 3 कितना है 12, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 × 25 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आप इजीली आप मैक ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 सेकंड में आप इसको इजीली सॉल्व कर सको, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस हैं आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। वहाँ पे इतना टाइम नहीं होगा कि आप दूसरे मैथड से, लेंथी मैथड से सॉल्व करोगे जो आप पहले करते थे, ठीक है, उनको भूल जाओ जो आप पहले मैथड्स करते थे। आप लोगों ने ये शॉर्टकट ट्रिक्स याद रखनी है, तभी आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 40 मिनट में कम्प्लीट होगा, अगर आप लोगों की कैलकुलेशन फास्ट है। सो नेक्स्ट करते हैं आगे हम। सेकंड, जैसे सपोज करो हमने 1 2 3 2 1, ठीक है, हमने ये कैलकुलेशन करनी है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। सो ये कैसे करेंगे, सो इसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, जो बाहर है नंबर उनकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। सो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। जो सेकंड स्टेप होगा वो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, सेकंड स्टेप क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। सो दोनों को ऐड कर दोगे कितना आएगा 6 + 2 = 8, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। थर्ड स्टेप क्या होगा, इसमें जो ये सेंटर वाले इनको मल्टीप्लाई, और जो ये डायगोनल्स हैं इनकी मल्टीप्लाई, ठीक है, ये याद रखना, थर्ड स्टेप ये होगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 4, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1, सो 4 + 1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, क्लियर है।
सो जो इसमें लास्ट स्टेप होगा क्या होगा, ये जो बाहर वाले हैं ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई, ये फोर्थ स्टेप होगा आपका लास्ट। सो टू को वन से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, टू। सो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर ठीक है। सो एक ही स्टेप में आप ये सॉल्व कर लोगे अगर आप लोगों को शॉर्टकट ट्रिक पता है ठीक है। सो नेक्स्ट करते हैं हम, जैसे सपोज करो कि ट्रिपल टू डबल टू ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है हम लोगों ने। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो बाहर वाले हैं इनकी मल्टीप्लाई, सो टू को टू से मल्टीप्लाई करोगे फोर। सेकेंड स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, टू को टू से करोगे कितना आएगा फोर, टू को टू से करोगे कितना आएगा फोर। सो फोर प्लस फोर कितना आ जाएगा यहाँ पे एट आ जाएगा, क्लियर है। थर्ड स्टेप क्या होगा, ये जो सेंटर में इनकी मल्टीप्लाई और ये जो डायगोनल्स हैं इनकी मल्टीप्लाई ठीक है, टू को टू से करोगे फोर और जो ये डायगोनल्स हैं इसकी मल्टीप्लाई करोगे टू को टू से कितना आएगा फोर, फोर फोर कितना आ जाएगा यहाँ पे एट। सो लास्ट स्टेप क्या था, जो बाहर वाले हैं उनकी मल्टीप्लाई, टू को टू से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा फोर। सो ये क्या आ जाएगा आप लोगों का आंसर ठीक है, बहुत ईजी ट्रिक है। सो आप लोगों ने इसके मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है ठीक है, कोई भी आप इक्वेशन आप सॉल्व ले सकते हो, उसको मल्टीप्लाई करो ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा आप उसको कैलकुलेटर पे चेक करो ठीक है। सो आंसर आप मैच कर सकते हो ऐसे। सो नेक्स्ट हम थर्ड ट्रिक देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज करो जैसे वन टू थ्री, थ्री टू वन ठीक है, ये नंबर है, हमने इसकी मल्टीप्लाई करनी है। सो हमने एक स्टेप में सॉल्व करना है ठीक है, बहुत इजी मेथड है ये। सो कैसे करेंगे, सो इसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, जो बाहर वाले हैं उनकी मल्टीप्लाई, थ्री को वन से करेंगे कितना आएगा थ्री। सेकंड स्टेप क्या होगा, इसमें जो ये क्रॉस है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, टू को वन से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा टू, टू को थ्री से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा सिक्स, सिक्स प्लस टू कितना आ जाएगा यहाँ पे एट आ जाएगा, क्लियर है। जो इसमें थर्ड स्टेप होगा वो क्या होगा, जो सेंटर है इनकी मल्टीप्लाई और जो ये डायोगनल्स हैं इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है, ये याद रखना डायोगनल्स की। सो ये कितना आ जाएगा, ये थर्ड स्टेप आ जाएगा। सो टू को टू से मल्टीप्लाई करोगे जो सेंटर में है ठीक है, कितना आ जाएगा ये फोर आ जाएगा। वन को इस वन के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा वन आ जाएगा। थ्री को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा नाइन आ जाएगा। सो नाइन प्लस वन टेन, टेन प्लस फोर फोर्टीन, फोर ये जो वन होगा नेक्स्ट वाले में याद रखना कैरी जाएगा, क्लियर है। सो नेक्स्ट जो यहाँ पे स्टेप होगा ये इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ये फोर्थ स्टेप होगा आप लोगों का ठीक है। टू को वन से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा टू आ जाएगा ठीक है। थ्री को टू से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा सिक्स आ जाएगा। सो सिक्स प्लस टू कितना होगा यहाँ पे एट, और एक ये क्या था यहाँ पे कैरी। सो इसको वन करोगे प्लस, सो एट प्लस वन कितना हो जाएगा यहाँ पे नाइन ठीक है। लास्ट स्टेप क्या होगा, जो बाहर है इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो थ्री को वन से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा यहाँ पे थ्री। सो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा ठीक है, ये बहुत सिंपल है। सो आप लोगों ने कैसे याद रखना है, पूरा बैलेंस्ड है ये ठीक है। यहाँ से देखो जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है और यहाँ से बाहर से फाइव स्टेप है, दोनों बाहर वालों की मल्टीप्लाई ठीक है। और यहाँ पे अब चेक करो ये जो सेकंड स्टेप है और ये फोर्थ स्टेप है, ये दोनों सेम है ठीक है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई ठीक है। बस जो थर्ड स्टेप है ये थोड़ा सा चेंज है इसमें, कि पहले सेंटर और फिर डायगोनल्स की मल्टीप्लाई, क्लियर है। जो लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है वही राइट हैंड साइड बन रहा है। सो ये एक पूरा बैलेंस्ड स्ट्रक्चर है ठीक है, जो आप लोगों ने याद रखना है। सो हम देखते हैं एक और एग्जांपल करके इसकी, जैसे सपोज करो थ्री टू फाइव, वन टू टू ठीक है, ये क्वेश्चन है। सो हम इसको देखेंगे कैसे हम सॉल्व करेंगे ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप क्या था, जो बाहर है उनकी मल्टीप्लाई, सो फाइव को टू से करेंगे कितना आएगा टेन। सो ये जो वन होगा नेक्स्ट वाले में किया जाएगा कैरी ठीक है, याद रखना। सेकेंड स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई, टू को टू से करेंगे फोर आ जाएगा, प्लस टू को फाइव से करेंगे कितना आ जाएगा टेन, टेन प्लस फोर फोर्टीन और वन ये क्या था कैरी, सो फिफ्टीन, फाइव आ जाएगा, अगेन वन कैरी जाएगा नेक्स्ट वाले में। सो नेक्स्ट स्टेप क्या था, डायोगोनल ठीक है, सेंटर में जो फिर डायोगोनल्स की, ये आप लोगों का क्या था थर्ड स्टेप। सो टू को टू से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा फोर, प्लस थ्री को टू से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा सिक्स, और वन को फाइव से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा फाइव ठीक है। सो सिक्स प्लस फोर कितना होगा टेन, टेन प्लस फाइव कितना होगा ये फिफ्टीन ठीक है, और वन क्या था यहाँ पे कैरी। सो फिफ्टीन प्लस वन कितना हो जाएगा सिक्सटीन, अगेन क्या है वन कैरी। नेक्स्ट स्टेप क्या था, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई ठीक है, थ्री को टू से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा सिक्स आएगा ठीक है।
वन को टू से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, टू आएगा, सो सिक्स प्लस टू एट प्लस वन नाइन, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाइन आ जाएगा, क्लियर है। लास्ट स्टेप क्या था आप लोगों का, बाहर वालों की मल्टीप्लाई, सो थ्री को वन से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, थ्री, सो ये आप लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, बहुत ईजी कैलकुलेशन है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो, सो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, सो तभी आपकी कैलकुलेशन है जो वो स्ट्रांग होगी, क्लियर है। सो हम नेक्स्ट ट्रिक करते हैं यहाँ पे, तो आगे फोर्थ, जैसे सपोज करो कि हमने 48 मल्टीप्लाई 52, ठीक है, ये भी हम एक ट्रिक के साथ कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे चेक करो कि दोनों का बैलेंसिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, जो सेंटर वाला पॉइंट है क्या है, सो 50 है, मीन्स टू से ये 50 से दो कम है और ये 50 से दो ज़्यादा है, ठीक है। सो हम 48 को क्या लिख सकते हैं, 50 माइनस 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 52 को क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। सो आप लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर्टी याद होगी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी किसके इक्वल आती है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, क्लियर है। सो आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, सो ये प्रॉपर्टी बन रही है। सो हम इसको क्या लिख लेंगे, ए स्क्वेयर, ए क्या है यहाँ पे 50 और बी स्क्वेयर क्या है यहाँ पे 2, सो 50 स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर हम यहाँ पे लिख लेंगे। सो 5 का स्क्वेयर कितना होता है, 25, यहाँ पे एक जीरो है इसका डबल हो जाएगा 20, ठीक है। माइनस 2 का स्क्वेयर कितना होगा, 4, सो 2500 माइनस 4 करेंगे कितना आ जाएगा, ये 2496 इज़ द आंसर, ठीक है। ये बहुत जल्दी हो जाएगा अगर आप लोगों का ये प्रैक्टिस है और आप लोगों को ये फार्मूलेस याद हैं, क्लियर है। अदरवाइज़ हम आगे भी इनके बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी, ठीक है, इस टाइप्स के जो और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, अलजेब्रा प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये, ठीक है। सो और एग्जांपल देखते हैं, सपोज करो 38 मल्टीप्लाई 42, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 40 माइनस 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, 40 प्लस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अगेन 40 स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर, सो 40 स्क्वेयर कितना आएगा, 1600 माइनस 2 का स्क्वेयर 4, सो ये कितना आ जाएगा, 1596 इज़ द आंसर, ठीक है, इजी ट्रिक है ये। सो नेक्स्ट देखते हैं, 95 into 105, ठीक है, सो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 100 स्क्वेयर माइनस 5 स्क्वेयर लिख सकते हैं, ठीक है। सो 100 स्क्वेयर माइनस 5 स्क्वेयर अगर करेंगे हम कितना आ जाएगा, 9975 आ जाएगा, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करो तो आप भी एक या दो सेकंड में इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, जो इस टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे। सो नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं हम, जैसे सपोज करो कि आप लोगों ने 32 मल्टीप्लाई 5 करना है, ठीक है। सो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 32 मल्टीप्लाई 5 को क्या लिख सकता हूँ, 10 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकता हूँ, सो वैसे भी कैंसिल होकर कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। सो 2 को 32 से डिवाइड करोगे 16, सो 16 को 10 से करोगे 160, ठीक है। सो डायरेक्ट ये क्या आ जाएगा, 160 आ जाएगा। सो जैसे सपोज करो 64 को आप 5 से कर रहे हो, सो 64 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकता हूँ 5 को, सो 2 से 64 कितने पे जाएगा, ये 32 पे, सो 13320 आंसर आ जाएगा। सो जैसे सपोज करो कि 128 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, सो क्या आएगा, 128 10 बाई 2, 2 से सो ये कैंसिल हो जाएगा 64 पे, सो कितना आ जाएगा, 640 इज़ द आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हुआ, बहुत इजी कैलकुलेशंस हैं, आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इनकी, ठीक है। सो नेक्स्ट हम रूल देखते हैं हमारा 6, सपोज करो कि हमने 64 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, सो 25 का अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे पेयर्स, सो क्या बनेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5, सो 5 मल्टीप्लाई 5 को 5 स्क्वेयर लिख सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, सो 5 स्क्वेयर है, इसको मैं 2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वेयर लिख सकता हूँ, वैसे भी 2 स्क्वेयर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो 5 मल्टीप्लाई 2, दोनों की पावर क्या है, सेम है, सो नीचे क्या है, 2 स्क्वेयर 4, सो मीन्स टू से ऊपर 5 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा,
10, सो 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 बाय 4, ठीक है। सो यहाँ पे हमने 25 को क्या लिखना है, 100 बाय 4 लिखना है, ठीक है। सो 100 बाय 4 कैंसिल करेंगे कितना 25 ही आ जाएगा, ठीक है। सो 4 को 64 पे कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा 16, सो 1600 क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करो 128 मल्टीप्लाई 25, सो 128 मल्टीप्लाई 100 बाय 4 लिख सकते हैं इसको, सो ये कैंसिल होगा 32 पे, सो कितना आ जाएगा 3200, ठीक है। एक बार आप लोगों को थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे सॉन करते रहोगे प्रैक्टिस, सो आप इसको भी 2 या 3 सेकंड में क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। बहुत इजी ट्रिक्स हैं, क्लियर है। जैसे सपोज करो कि आगे यहाँ पे 125 आता है, ठीक है। सो 125 को क्या लिख सकते हो आप, 1000 बाय, ठीक है। सो क्या लिख सकते हो, 1000 बाय 8 लिख सकते हो यहाँ पे, 1000 बाय 8, ठीक है। 1000 बाय 8 को कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा, ठीक है। सो ये बहुत इजी ट्रिक है, आप लोगों ने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, सो इसलिए कि आप लोगों की जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो सके। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे।